हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नाउ टेक आउट योर मैथ्स बुक। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट। चैप्टर बेटा हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? प्रॉब्लम हम लोग की हो गई है एक्सरसाइज 3.4। ओके, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 52 पर बेटा आपका क्या था? फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस था। ओके बेटा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं नियरेस्ट 10 के एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं। आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं एस्टिमेशन इन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा। आप पहले भी पढ़ चुके हैं फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस। पहले आपको बेटा एक्चुअल डिफरेंस निकालना है और फिर आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस भी निकालना है। तो एक्चुअल डिफरेंस बेटा कैसे निकालेंगे? आपका जो एक्चुअल मीन्स एक्चुअल जो है वो आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 1 से 8 जाएगा नहीं तो बेटा, यहाँ से 1 कैरी तो 11 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा बेटा 3 बचेगा, फिर 8 से 3 जाएगा 53 आएगा। ओके, यहाँ पर 53 आया है। और बेटा एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं नियरेस्ट 10 के? सभी बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज मैं बता दे रही हूँ आपको नियरेस्ट 10 कैसे निकालना है। बेटा अगर जो है, जैसे यहाँ पर 91 एंड 38 है, तो बेटा वंस प्लेस को पहले चेक करेंगे। यहाँ पर वंस प्लेस पर बेटा अगर 5 से क्या आपका छोटा हो, मीन्स 5 से जैसे छोटा 0, 1, 2, 3 या 4 क्या हो बेटा, 5 से छोटा हो, तब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें लास्ट में वंस प्लेस पर 0 राइट करेंगे और सच एज ऐसे राइट कर लेंगे। जैसे वंस प्लेस पर 0 राइट किया बेटा और फिर आपका 9 ऐसे राइट कर लेंगे। फिर यहाँ पर 38 में देखिए, 38 में वंस प्लेस पर बेटा 8 है। एक चीज़ और जान लीजिए बेटा, अगर 5 से आपका बड़ा होता है बेटा तो उसमें हम क्या करते हैं, 5 से जब छोटा होगा तो उसमें हम वंस प्लेस पर 0 राइट करेंगे। अगर 5 से बड़ा हो रहा है नंबर, मींस जैसे 5, 6, 7, 8 या 9, मींस 5 से बड़ा हो या 5 के इक्वल हो, तो बेटा क्या करते हैं हम लोग 38 को कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर 8 क्या है, 5 से बड़ा है ना बेटा, 5 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वंस प्लेस पर 0 राइट करेंगे एंड टेंस प्लेस पर +1 को ऐड कर लेते हैं। ओके, समझ में आया बेटा? अगर हम टेंस प्लेस पर 1 को ऐड कर लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 91 एंड 38 मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 1 क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर 0 राइट कर लेंगे। अगर 5 से बेटा, यहाँ पर देखिए 8 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ 0 राइट करेंगे एंड टेंस प्लेस पर 1 को ऐड भी कर लेंगे। चलिए अब इसको, सॉरी 40 होगा। अब इसको क्या करना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस ये कहते हैं। अब ये एस्टिमेटेड डिफरेंस आपका बेटा कितना आएगा, 50, 0 से 0, 9 से 4 जाएगा बेटा 5 आएगा, तो कितना आएगा एस्टिमेटेड डिफरेंस बेटा, 50। समझ में आया? ऐसे ही इसको भी चेक करना है। पहले आप एक्चुअल डिफरेंस निकालेंगे, 10 आएगा बेटा, और फिर एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालते हैं बेटा। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर 85 एंड 75 है। तो बेटा आपने अभी पढ़ा रूल क्या है, अगर आपका वंस प्लेस बेटा 5 से क्या हो, बड़ा हो या इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, वंस प्लेस पर 0 राइट करते हैं एंड टेंस वाले प्लेस पर +1 को ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर 90 बन जाएगा, 1 यहाँ पर टेंस प्लेस में +1 ऐड होगा बेटा, क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 90 बन जाएगा। फिर ऐसे 75 का एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालेंगे बेटा, कैसे, 5 क्या है यहाँ पर, 5 इक्वल हो या बड़ा हो 5 से बेटा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर 0 राइट करेंगे एंड टेंस प्लेस पर +1 को ऐड कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 8 है ना, 7
यानी कि यहाँ पर वन ऐड कर लेंगे बेटा, क्या बन जाएगा 8। मीन्स 90 से अगर हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा कितना आएगा 10 आएगा। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? तो यहाँ पर एस्टिमेटेड डिफरेंस 10 आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए फिर से एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पर 17 आया है। 68 से 51 को अगर माइनस करेंगे बेटा तो 17 आएगा। एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे चेक करना है अभी आपको मैंने बताया। अगर आपका 5 से छोटा नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 आए, अगर ये 5 से छोटा नंबर आए तो आप वंस प्लेस पर क्या करेंगे, 0 राइट करेंगे, और आप जो आगे यानी कि टेंथ प्लेस का नंबर ऐसे ही राइट कर लेंगे। ओके, अगर एक रूल क्या है, सेकंड रूल बेटा क्या है आपका, अगर 5 से क्या हो बड़ा हो, 5 से बड़ा नंबर क्या हो, 5, 6, 7, 8, 9 या 5 के इक्वल हो बेटा, 5 से बड़ा हो या क्या हो 5 से इक्वल हो, तब वहाँ क्या करते हैं बेटा, वंस प्लेस पर 0 तो राइट करते ही हैं, साथ ही साथ टेंस प्लेस पर प्लस 1 को ऐड कर लेते हैं। जैसे बेटा ये सी वाला देखिए, 68 5 से क्या है बेटा, बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 0 राइट करेंगे वंस प्लेस पर, एंड टेंस प्लेस पर क्या करेंगे 1 को ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 70। और 51 देखिए, वंस यहाँ 5 से छोटा है तो 0 राइट कर लेंगे, आगे क्यों नहीं टेंथ प्लेस पर 1 करेंगे बेटा, क्यों नहीं करेंगे बेटा, अभी आपको मैंने बताया कि अगर 5 से छोटा होगा तब आप 0 राइट कर लेंगे और आगे टेंस वाले नंबर को ऐसे ही राइट करेंगे। अगर आपको 5 से बड़ा होगा बेटा तभी हम प्लस 1 टेंस में ऐड करेंगे। ओके, समझ में आया? तो अब 70 से 50 को माइनस करिए, यहाँ पर 0 आएगा, 7 से 5 जाएगा बेटा कितना आएगा 2, तो यहाँ आपका 20 आएगा, एस्टिमेटेड डिफरेंस 20 आएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? ऐसे ही डी एंड ई वाला भी होगा। ओके, और हम आपको एग्जांपल बेटा देंगे, नियरेस्ट 10 के एग्जांपल और देंगे बेटा, आपको उसको कॉपी पर करना होगा। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे निकालना है। ओके क्लास, थैंक यू।